दोस्तों फरवरी 2024 में बहुत सारे रियलमी डिवाइस में रियलमी वाई 5.0 एंड्रॉयड 14 पे स्टेबल अपडेट का मिलने का चांस था। ठीक है, ऐसा ही हुआ गाइज। ऐसे बहुत सारे डिवाइस है जिसमें रियलमी वाई 5.0 एंड्रॉयड 14 का जो स्टेबल अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में रियलमी वाई 5.0 एंड्रॉयड 14 पे फरवरी 2024 का स्टेबल अपडेट का डिवाइस लिस्ट आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो के तरफ। दोस्तों ये रहा रियलमी वाई 5.0 अर्ली एक्सेस रोड मैप। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसमें ऑलरेडी स्टेबल अपडेट रिसीव हो चुका है, जैसे कि रियलमी GT 2 प्रो, रियलमी GT न्यू 3, रियलमी GT न्यू 3 150 वाट। लेकिन दोस्तों नवंबर 2023 में जो डिवाइस के लिए अपडेट रोल आउट किया गया था उनमें अभी तक स्टेबल अपडेट नहीं आया था। फैब 2024 में इन सभी डिवाइस में स्टेबल अपडेट मिलने का चांस था। दोस्तों ठीक ऐसा ही हुआ है, बहुत सारे डिवाइस में स्टेबल अपडेट फाइनली रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस चलते हैं यहाँ पे रियलमी कम्युनिटी ऊपर और देख लेते हैं कौन सा वो डिवाइस है जिसमें स्टेबल अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल गाइस यहाँ पे देख लीजिए, मैं रियलमी कम्युनिटी पेज में आ चुका हूँ। ऊपर में देख लीजिए रियलमी वाई 5.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 14 फॉर रियलमी 11 प्रो प्लस 5G रोलिंग आउट नाउ। मतलब ये स्टेबल अपडेट रोल आउट किया जा रहा है रियलमी 11 प्रो प्लस डिवाइस के लिए। बहुत सारे यूजर इसके लिए वेट कर रहा था, फाइनली स्टेबल अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। ये जो अपडेट है ऑफिशियली वर्सन है, आप यहाँ पे सब लिखा जा रहा है, देख सकते हो ऑफिशियली रोल आउट बींग स्टार्टेड। नीचे में आप इसका रिक्वायर्ड वर्सन देख सकते हो, उसका फुल चेंज लॉग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका रिक्वायर्ड वर्सन सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों देख लीजिए इसका जो रिक्वायर्ड वर्सन है RMX 3741 ए रियलमी 11 प्रो प्लस डिवाइस का RMX नंबर है। जो रिक्वायर्ड वर्सन है वो है 13.1.0548EX01। अगर आपका डिवाइस में एंड्रॉयड 13 इंस्टॉल है तो आपका डिवाइस में जो रिक्वायर्ड वर्सन वो 13.1.0548 या फिर 13.1.0549 ए है रिक्वायर्ड वर्सन। अगर आप एंड्रॉयड 13 से एंड्रॉयड 14 में स्टेबल अपडेट में अपडेट करना चाहते हो तो आपका डिवाइस में ये वर्सन इंस्टॉल होना चाहिए। और अपडेट के बाद मतलब स्टेबल अपडेट के बाद जो वर्सन होगा वो होने वाला है 14.0.0.300EX01। मतलब ये स्टेबल अपडेट का एंड्रॉयड 14 का वर्सन है। दोस्तों इसका चेंज लॉग भी आप देख सकते हो, चेंज लॉग में आपको Realme UI 5.0 का जो बेसिक चेंज लॉग है वही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आज शाम तक इसका फुल डिटेल्स रिव्यू का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। दोस्तों इसके साथ साथ और भी कुछ डिवाइस के लिए स्टेबल अपडेट रोल आउट किया जा रहा है वो भी फिलहाल देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट तो डिवाइस के लिए स्टेबल अपडेट रोल आउट किया जा रहा है Realme UI 5.0 एंड्रॉयड 14 बेस और है Realme Narzo 60 Pro 5G। ऊपर में देख लीजिए आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका भी रिक्वायर्ड वर्सन देख लीजिए, इसका रिक्वायर्ड वर्सन है 13.1.548 13.1.0.549EX01। एंड्रॉयड 13 का रिक्वायर्ड वर्सन है और अपडेट के बाद जो वर्सन होने वाला है सेम टू सेम वर्सन है Realme 11 Pro Plus और Realme Narzo 60 Pro का। देख लीजिए 14.0.0.300EX01 दोनों का आपको सेम टू सेम वर्सन देखने को मिलेगा। और इसका भी चेंज लॉग देख सकते हो, आपको सेम टू सेम चेंज लॉग देखने को मिलेगा जो Realme UI 5.0 का बेसिक चेंज लॉग होता है। दोस्तों नेक्स्ट और एक डिवाइस के लिए अपडेट रोल आउट किया जा रहा है स्टेबल अपडेट Realme UI 5.0 बेस, वो है Realme 11 Pro 5G। आप यहाँ पे देख लीजिए Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 फॉर Realme 11 Pro 5G रोलिंग आउट नाउ। और इसका भी रिक्वायर्ड वर्सन देख लीजिए, आपको सेम टू सेम रिक्वायर्ड वर्सन है 13.1.0.548 13.1.0.549EX01। ये एंड्रॉयड 13 का वर्सन है। अगर आप एंड्रॉयड 13 से एंड्रॉयड 14 में स्विच करना चाहते हो तो आपका डिवाइस में इन दोनों में से एक वर्सन होना चाहिए, तब आप एंड्रॉयड 13 से एंड्रॉयड 14 को स्विच कर सकते हो। और अपडेट का वर्सन देख लीजिए सेम टू सेम है 14.0.0.300EX01। दोस्तों अगर आप ऑलरेडी बीटा यूजर हो, मतलब एंड्रॉयड 14 रियलमी वाई 5.0 का बीटा वर्सन यूज कर रहे हो, ओपन बीटा या फिर फॉर्म फिलअप किया था AliExcess का फिर आपको अपडेट मिला है, तो आप थोड़ा सा ही वेट करना। आपका डिवाइस के लिए सबसे पहले अपडेट रोल आउट किया जाता है एंड्रॉइड 14 का स्टेबल अपडेट, आपका OTP के थ्रू अपडेट आपको मिल जाए, फिर आप सॉफ्टवेयर अपडेट पेज में जाके चेक करना, आपका डिवाइस में स्टेबल अपडेट रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेबल अपडेट यूज करते हो एंड्रॉइड 13 का, उसके बाद आप एंड्रॉइड 14 में अपडेट करना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, स्टेबल अपडेट के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन तीनों डिवाइस के लिए Realme UI 5.0 एंड्रॉइड 14 पे स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई एक डिवाइस है तो आप जाओ यार
सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक करके देख लेना। अगर आपको अपडेट रिसीव हो चुका है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आज शाम तक आपको इसका फुल डिटेल्स रिव्यू का वीडियो भी मिल जाएगा, आपको क्या कुछ बग देखने को मिलेगा, क्या कुछ न्यू फीचर, सब कुछ आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो यार आज का वीडियो था, शायद आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करके चैनल को मस्त भी सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रोजाना इसी चैनल में मिलता रहता है। तो गाइस जाओ चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब कर लो।